हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शहद के बारे में, हनी के बारे में। हनी एक बहुत ही अमेजिंग सब्सटेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी सारे बीमारियाँ हैं और जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म कर देता है जड़ से। इसको एक बहुत ही पावरफुल हेल्थ टॉनिक माना जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, हनी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कम्प्लीटली सिमिलर है ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से, कम्प्लीटली सिमिलर। और हनी के अंदर इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भरे पड़े हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली ऐसे ऐसे मैजिकल पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ को बदल देगा। सो हनी के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े होते हैं, उस माइक्रोन्यूट्रिएंट से हमारा इम्यूनिटी जो होता है वो बहुत 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 बड़े पैमाने पर बिल्डअप होता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एक टॉक्सिन रिमूवर की तरह काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकालने के लिए जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उसको ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है और बढ़ावा देता है। जब ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बॉडी को हेल्प करता है तो जितने भी सारे पुराने इम्प्योरिटीज़ या फिर टॉक्सिन्स पड़े होते हैं बॉडी में वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे में जो कॉलन कैंसर होता है, जो कि एक बहुत ही डेडलीस्ट डिजीज़ में एक माना जाता है, वो आपको नहीं होता है, उससे आप छुटकारा पाते हो। हनी एक ऐसा सब्सटेंट है जिसको आप कंज्यूम करने से ही इमिडिएटली ये बॉडी के अंदर असिमिलेट हो जाता है, हर एक सेल के अंदर जाता है। और ये ब्लड प्योरीफाई की तरह भी काम करता है, ब्लड को पूरी तरह से प्योरीफाई करता है। कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ हो उसको पर्टिकुलरली जड़ से ख़त्म करता है। हार्ट अटैक तो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप हनी कंज्यूम करते हो, इतना पावरफुल है। हनी के अंदर बहुत सारे वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर कहीं पे खरोच लगा है या फिर कहीं पे चोट लगा है आपको या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, अगर वहाँ पे आप हनी लगाते हो तो ये मैजिकली काम करता है वुंड को हील करने के लिए। अगर आपके घर में बढ़ते हुए बच्चे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी एक हनी का कल्चर शुरू कर देना चाहिए आपके घर में। सिर्फ आप नहीं, सारे मेंबर्स को सिखाओ हनी खाने के लिए। हनी में इतने सारे अच्छे अच्छे गुण हैं और इतना एक मैजिकल प्रॉपर्टी एक हनी होता है जो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए उनका कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन और उनका जो ब्रेन का पावर है वो बहुत एनहांस करता है, क्योंकि हनी को ब्रेन फूड माना गया है और ये आयुर्वेदा में बहुत ताकतवर है। और एक चीज़ है, बहुत सारे टीन एजर्स बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजरते हैं और बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज से गुजरते हैं। पिंपल्स हो गया, फिर रैशेस हो गया, या फिर जो गर्ल्स या फिर वुमेन हो गए वो जो रिंकल हो जाते हैं। तो अगर आपको स्किन को सॉफ्ट करना है या फिर पिंपल और एक्ने से छुटकारा पाना है तो एक्सटर्नली आपको हनी यूज़ करना है। इंटरनली, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली अगर आप यूज करते हो हनी तो कोई भी स्किन से रिलेटेड इश्यू आप फेस नहीं करोगे लाइफ में। आंखें हमारा सबसे बड़ा एसेंशियल पार्ट होता है, पर्टिकुलरली जब हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं ये बहुत काम में आते हैं। जो भी हम देखते हैं आंखों से देखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे सोसाइटी में और हमारे दोस्त भी हैं जो आँखों से रिलेटेड डिजीज़ से या फिर इश्यू से सफ़र करते हैं। तो उनके लिए बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज, अगर वो यूज़ करते हैं हनी को तो आँखों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डिजीज़ हैं वो भी वो छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि इम्यूनिटी के बारे में मैं बात कर रहा था, इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करता है जो कि डे टू डे इन्फेक्शन होते रहते हैं हमारे, सीजन जब चेंज होता है या फिर कोई कॉमन कोल्ड या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए हनी बहुत काम में आता है। पर्टिकुलरली जो थ्रोट का इश्यू होता है, मतलब गले का जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप एक सिंगर हो, अगर आप एक स्पीकर हो, अगर आप स्पीचेस देते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका स्पीच या फिर स्पीकिंग पावरफुल इम्पैक्टफुल हो तो हनी का कंजप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, आपके थ्रोट को क्लियर करने के लिए और आपके आवाज़ को एक पावर देने के लिए, एक फोर्स देने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं इतना बढ़ा चढ़ा के हनी के बारे में कैसे बोल सकता हूँ, ये इतना भी पावरफुल कैसे है। ये इतना पावरफुल ऐसा ही आपको जानना है, हनी जो आता है ये डिफरेंट फ्लोरा से आता है, मीन्स डिफरेंट फ्लावर से आता है। हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो हमारा डिमांड पूरा करता है।
तो इसीलिए ये बहुत ही मल्टी विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत बहुत हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसीलिए इतना वो पावरफुल है। हनी आयुर्वेदा में बहुत पावरफुल माना गया है, जो कफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए बहुत बहुत पावरफुल एक रामबाण माना गया है अगर आप कंजप्शन करते हो हनी का। तो अब शहद को खाना कैसे है, हनी को खाना कैसे है, आप डेली 3 से 4 टेबलस्पून हनी खा सकते हो। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो गर्म गुनगुने पानी, हल्का गुनगुने पानी के अंदर हनी डाल के या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, वो पी सकते हो। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो ठंडे पानी के अंदर हनी डाल के पी सकते हो। और आपको ये याद रखना है, हनी को कभी कुक नहीं करना है। अगर आप हनी को कुक करने के लिए ट्राई करते हो तो ये पॉइजनस हो जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे से होते हैं जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो हनी को कभी भी कुक नहीं करना या फिर बॉइलिंग वाटर में के अंदर डालना नहीं है हनी को। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको सेंस होना चाहिए, नहीं तो आप कोई चीज़ अगर इतना पावरफुल हो, अगर उसको गलत तरीके से लिया जाए, गलत कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए, तो वो डिट्रीमेंटल और डैमेजिंग हो सकता है। तो इसलिए बैलेंस और एक बैलेंस कंजप्शन और एक जनरल सेंस होना चाहिए कि हनी कैसे खाना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कौन सा हनी लेना है। अडल्ट्रेशन या फिर मिलावट के बारे में आपको पता होगा, हनी एक ऐसा सब्सटेंट है जो इजीली उसको मिलावट किया जा सकता है, आप पहचान नहीं पाओगे। तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं NMR, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये टेस्ट पर्टिकुलरली जर्मन लेबोरेटरीज में होता है, जो कि बहुत महंगा होता है, और ये टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि हनी कितना प्योर है। तो पर्टिकुलरली मैं उतना बात को घुमाऊंगा नहीं, मैं जो पर्सनली हनी यूज करता हूं वो है झंडू हनी, झंडू प्योर हनी, वो मैं खाता हूं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है या फिर कोई मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं दिया है, इसीलिए मैं हनी के झंडू के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करता हूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोकल में क्लेम करते हैं कि प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं है। तो आप आराम से झंडू हनी खा सकते हो, जो NMR टेस्ट होता है इसने पास किया हुआ है, और बाकी के भी बहुत सारे ब्रांड्स से आप सर्च कर सकते हो, लेकिन लोकली जो अवेलेबल होते हैं उनमें से झंडू सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, पर्टिकुलरली अगर आप एथलीट हो, ये आपके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मसल मूवमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ाने के लिए बहुत बहुत कारगर है। तो अगर आप एक एथलीट हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, हनी को बेझिझक ऐड करो अपने डाइट में, और इसका जो मिराक्युलस अफेक्ट है, बेनिफिट्स है, उसको एक्सपीरियंस करो, और तब मुझे बोलना कि वीडियो कितना हेल्पफुल था। तो आज से ही एक हनी का जार, प्योर हनी का जार खरीद लो और एंजॉय करो स्वीटनेस हेल्थ लाइफ का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक वीडियो लेके मैं आऊँगा और एक नए एपिसोड में। नमस्कारम, सी यू लेटर।